देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 9,987 कोरोना पीड़ित बढ़े। अब तक 2,66,598 कोरोना केस। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत, 331 लोगों की गई जान। एनडीआरएफ के 49 जवान कोरोना पॉजिटिव। बंगाल में राहत बचाव कार्यों में लगी थी ड्यूटी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 412 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 10,900 के पार। नोएडा में बीते 24 घंटे में 59 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 699। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा मामले बढ़े। 109 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 88,500 के पार। अब तक 3,169 मरीजों की मौत। जयपुर में 24 घंटे में 34 नए मामले। राजस्थान में कुल संक्रमित 10,800 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,000 नए मामले। 30,000 के करीब कुल आंकड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक 874 की वायरस ने ली जान। आज होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक। मुख्यमंत्री की जगह डेप्यूटी सीएम लेंगे हिस्सा। दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच बड़ी तनातनी। एलजी ने केजरीवाल सरकार के दो फैसले पलटे। एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज से जुड़ा फैसला पलटा। दिल्ली में बाहरी लोगों के कोरोना इलाज के लिए रास्ता खुला। एलजी के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने बीजेपी को घेरा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली वालों की चुनौती बढ़ाई। एलजी के फैसले पर बिफरी कांग्रेस, कहा नहीं है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कोई तालमेल। अब एसिम्प्टोमैटिक मरीज भी करा सकेंगे कोरोना टेस्ट। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद होगा टेस्ट। जेएनयू में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों से घर जाने के लिए कहा गया। 15 अगस्त से पढ़ाई शुरू होने के आसार नहीं। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की। सोमवार शाम मारी गोली। सरपंच अजय पंडिता के घर में पसरा मातम। लोक भवन पंचायत के सरपंच थे अजय पंडिता। द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली हत्या की जिम्मेदारी। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का केस दर्ज। हाईवे पर केक काटते आए थे नजर। हाईवे पर फरसे से केक काटते देखे थे पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। बाद में सफाई में बोले, कुछ लड़के मना रहे थे जन्मदिन, उन्होंने पहचान कर रोक लिया। गुड्डू पंडित ने कहा, मां की मौत की खबर पाकर नोएडा से बुलंदशहर आ रहा था, तभी हाईवे पर लड़कों ने रोका और केक काटने के लिए कहा। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर लॉ एक्सपायर हो गई। मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। उरी सेक्टर के रिहायशी इलाकों पर दागे मोर्टार। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। किरण और रामपुर सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने तोड़ा सीज फायर। मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय फौज। काशी विश्वनाथ मंदिर में शुरू हुआ दर्शन। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़। गाजियाबाद में एक और फैक्ट्री बंद। करीब 200 कर्मचारी बेरोजगार। औरंगाबाद में कोरोना के मरीज। दो कैदी भागे अस्पताल से चकमा देकर निकले। मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर। एक गर्भवती महिला को दूसरी महिला ने पिस्टल से मारी गोली। दोनों महिलाएं एक कारोबारी की थी पत्नी। पहली पत्नी ने दूसरी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर में एक नाबालिग ने वकील के खिलाफ दर्ज कराई रेप की शिकायत। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार दो युवकों की गोली मारकर हत्या। गैंग वॉर में मर्डर की आशंका। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक कार्टून से युवती का शव बरामद। रस्सी से बंधे थे हाथ पैर।
पुणे में सैलून कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से सैलून खोलने और आर्थिक मदद की मांग। रांची में कपड़ा फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन, नौकरी पर वापस रखने की मांग। कैमूर से प्रवासी मजदूर फिर काम की तलाश में चले परदेश, बिहार में काम नहीं मिलने से लौटने को मजबूर। काम की तलाश में प्रवासी मजदूर फिर चले पंजाब, मालिकों ने लखीमपुर भेजी बस। जमशेदपुर में एक लड़की ने जुगाड़ तकनीक से बनाई पैर से चलने वाली आटा चक्की, इस मशीन से चावल, दाल और मसाला भी पीसा जा सकता है। पैसे बांटने के बाद फिर चर्चा में पप्पू यादव, पटना में जरूरतमंदों की मदद के दौरान नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। मुरादाबाद में बार में सर्व किया जा रहा है कॉफी और मॉकटेल जूस, शराब की अभी इजाजत नहीं। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 6 बदमाश हुए घायल, 2 पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी। सूरत में रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट की पहली मंजिल पर लगी आग, लाखों का नुकसान। थाने में एक सोसाइटी के बाहर मिला घायल हिरण, आपदा प्रबंधन की टीम ने किया रेस्क्यू। नोएडा में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर सख्ती, पुलिस ने काटे चालान। गया में थाने के चौकीदार की गोली मारकर हत्या, कत्ल की वजह भी साफ नहीं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक खोला गया, लोगों की दिक्कत कुछ कम हुई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लौटने लगी रौनक, ग्राहकों की तादाद में हुआ इजाफा। श्रीनगर में कुछ युवा कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की मदद, कोरोना के खतरे के बाद भी मदद के लिए आगे आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।